रुमाना, मैं लगातार पिछले 25 दिनों से पंजाब में हूँ और अब जब आपसे बात कर रही हूँ मैं चमकौर साहिब विधानसभा में हूँ। आप ही के एंकर ने अभी हमारे मुख्यमंत्री जो है चरणजीत चन्नी जी का इंटरव्यू भी लिया है। पूछे कितने लोग थे उन्हें मिलने के लिए, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हें मिलने के लिए आई हुई थी, पंच सरपंच भीड़ थी उनको मिलने के लिए, एक जोश था और ये विश्वास था कि चन्नी जी दोबारा आ रहे हैं अपने 111 दिन पे। उन्होंने जो प्रदर्शन किया, चौके छक्के लगाए हैं और उनको यकीन है कि अगर इनको और जिम्मेदारी मिलेगी, दोबारा मौका मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा, तो वो बिल्कुल एक नया जो इतिहास रचेंगे। ये आपके एंकर को भी पता है, सच्चाई जानकर आए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जैनेन्द्र ने इंटरव्यू किया था और उस वक्त स्टूडियो में मैं खुद मौजूद थी। लेकिन देखिए ना, आप वो जो चौके छक्के मारने वाली बात कह रही है, जो आप कह रही है कि लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी को तो खुद ही नहीं पता है। अगर कांग्रेस पार्टी को खुद ही इतना विश्वास होता चन्नी साहब पे तो सीएम के तौर पर उन पर मोहर लगा देती, लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर मोहर तो लगाई नहीं आपके चन्नी साहब के नाम पर। नहीं 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 नहीं, आपको किसने कहा हमने इन पे नहीं लगाई, तो किस पे लगाई है ये बता दीजिए। हमने किसी पे मोहर नहीं लगाई है, पार्टी में चर्चा चल रही है। अच्छा, चन्नी पे नहीं लगाई ना, तो किस पे लगाई आप बताइए, रोमाना बताइए। नहीं तो चन्नी पर मोहर लगाने में आपको गुरेज क्या है? ये हमें किसी पे नहीं करते हैं भाई, हम थोड़ी बताएंगे कि किस पर मोहर लगाएंगे। भगवंत मान पर मोहर आम आदमी पार्टी ने लगाई। आज प्रियंका गांधी ने खुद कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कौन है चेहरा, मैं ही चेहरा हूँ, तो फिर चन्नी साहब को लेकर कुछ कहा क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल आप बोलिए और जवाब दीजिए। अब बीच में नहीं बोलेंगी तो सारे जवाब दे दूंगी, ठीक है? आपने कहा चन्नी जी पे मोहर नहीं लगाई, मैंने पूछा किस पे लगाई, आपके पास जवाब नहीं, ठीक है? क्योंकि मोहर किसी पे भी नहीं लगी। हमने ये तय किया अभी तक में कि हम चन्नी जी के कामों को लेकर, जो 111 दिन का प्रदर्शन बेहतरीन शानदार रहा है, उसे लेकर जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, पूरा संगठन पार्टी एकजुट होकर उनके उस पे आगे जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल समय आने पर तय कर ले कि चेहरे के साथ जाना है या कामों के आधार पर जाना है। आम आदमी पार्टी को जो करना था वो उनकी आजादी थी, उन्होंने कर दिया है। उठा सकते हो अब अपना चुनाव तो उठा लीजिए, लेकिन पंजाब ये कहता है जिस केजरीवाल से अधूरी दिल्ली नहीं समझी वो पूरा पंजाब क्या संभालेगा। भगवत मान के नाम पर लोग ये कहते हैं कि अपनी स्टेयरिंग, अपनी कमान उस आदमी के हाथ कैसे दे सकते हैं कि पंजाब डरा हुआ साथ में बैठा हुआ। पंजाब से आप दिल्ली की बात कर रहे हैं बैठकर, लेकिन फिलहाल पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आंक रहे हैं? सर्वे तो ये कह रहा है कि मामला फंस भी सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।